एग्जाम सिर्फ आने वाले हैं और इनऑर्गेनिक पढ़ने का बेस्ट टाइम होता है एग्जाम के कुछ दिनों पहले बिकॉज एज यू नो इनऑर्गेनिक में याद करने के लिए इतनी सारी चीजें होती हैं इतनी सारी चीजें याद रखना मेमोरी में रखना थोड़ा हार्ड होता है एज एवरी वन कि शॉर्ट नोट्स आर द बेस्ट टूल टू रिवाइज एनीथिंग सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर माई इनऑर्गेनिक शॉर्ट नोट्स विद यू ऑल सो हियर आर दे ये सारे इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने बनाए हुए हैं और मैं आप लोगों के साथ आज ही शेयर करूंगी हेलो लॉन्ग टाइम नो सी आई नो मैं बहुत दिनों बाद पोस्ट कर रही हूँ तो कल ही मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रही थी और मुझे याद आया कि आप में से बहुत सारे लोग इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स मांग रहे थे लाइक एवरी अदर शॉर्ट नोट्स ये वाले शॉर्ट नोट्स भी मैंने अपने दिल से बनाए हैं बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं यस आई विल शेयर माई नोट्स विद यू ऑल टूडे

कि इसमें आपको अगर कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा या फिर बहुत अलग लगता है सो डोंट रीट दैम आप अपना अलग बना सकते हो अपने हिसाब से बट स्टिल आई वुड से बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है बोर्ड्स के हिसाब से यू कैन रीड दैम एंड बाकी फॉर नीट एंड जेई देआर गोल्ड बहुत अच्छे नोट्स हैं मैं कोशिश हूँ कि मैं एटलीस्ट इनको वीक में एक बार रिवाइज करूँ बिकॉज इनको जितना आप अपने मेमोरी में स्टोर करो उतना ज़्यादा बेटर है ताकि लास्ट टाइम पर इतना हैसल ना हो क्योंकि ये कि आप इनऑर्गेनिक मोस्टली लास्ट टाइम पर ही रिवाइज करते हैं और साथ में और भी चीज़ें होती हैं फिजिक्स होती है और भी केमिस्ट्री होती है बायोमैथ वटैवर बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अभी मैं पहले से ही थोड़ा 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 नॉट मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रही अभी ऑर्गैनिक को बट ये कि मैं एक बार इसको रिवाइज करके अलग रख देती हूँ एंड शॉर्ट नोट्स धीरे धीरे याद करती रहूँगी ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सेम शॉर्ट नोट्स ही कॉपी करो देखो आप खुद से अपने खुद के नोट्स से शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा तो आई विड शेयर कि मैंने अपने नोट से शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए सो उसके लिए मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का सो आई एम हैव विद माई नोटबुक कोर्डिनेशन कम्पाउंड जैसे कॉर्डिनेशन कम्पाउंडस में जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ आइसोमैरिज्म आता है कि आपकी नोटबुक में जो भी बहुत थ्योरी है क्वेश्चन है बहुत लंबा कुछ डेरीवेशन है वगैरह कुछ भी है तो आप उसको अपने नोट्स में उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो शॉर्ट करके लिखो जैसे इसमें आइसोमैरिज्म है तो इसमें बहुत सारे पार्ट हैं आइनाइजेशन हाइड्रेट लिंकेज कोऑर्डिनेशन इसमें बहुत सारी थ्योरी लिखी है आगे क्वेश्चन भी लिखे हैं उसके कुछ टाइप्स भी लिखे हैं और बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं तो टोटल तो मिला के तीन से चार पेजेस में आइसोमेरिज्म आ रहा है लेकिन मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट करके बहुत इतने से पार्ट में लाने की कोशिश की है आप जैसे सेफ्टी की बात कर लो क्रिस्टल फील्ड थियोरी कितना खुला खुला करके और डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है उसके क्वेश्चन फैक्टर फैक्टिंग बहुत सारी चीज़ें लेकिन इसमें बहुत ही इतने से पार्ट में मैंने वो चीज़ ला दी है अब देखो आपने इतना पढ़ा है तो आपको पता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ अलग एक्सट्रैक्ट करके लिखनी है सो दिस इज़ वेरी ईजी जस्ट आपको अपनी नोटबुक खोलनी है साइड में एक ए शीट लेनी है और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो निकाल के उसमें लिखना है एंड ट्राई करना बहुत खुला मत लिखो और बहुत कॉम्पैक्ट मत लिखो मतलब जैसा कि आप देख सकते हो कि समझ में आना चाहिए आपने क्या लिखा है थोड़ा छोटा लिखो कंपैरेटिवली साइज़ में और डेफ़िनेटली हाईलाइट करना ना करना आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है बट आई लाइक टू हाईलाइट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड थिंग्स जो अलग ही दिखती हैं सो आई थिंक यू शड डू इट नाव लेट मी शो यू माई इनऑर्गैनिक शोट नोट्स सो इनऑर्गेनिक में टोटल आपके फाइव चैप्टर्स आते हैं पहले ज़्यादा थे बट उसमें से कुछ डिलीट भी हो गए हैं लाइक एस ब्लॉक और हाइड्रोजन वो डिलीट हो गया है नीट के सिलेबस से जई से भी कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं आई थिंक एस ब्लॉक भी डिलीट हो गया आई एम नॉट श्योर सो अभी जो चीज़ डिलीट नहीं हुई है फाइव चैप्टर्स बचे हैं पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग पी ब्लॉक डी एन एफ ब्लॉक एंड आपको है कोर्डिनेशन कंपाउंड्स तो ये फाइव चैप्टर बचे हैं इसके मैं शॉर्ट नोट्स आपको दे दूंगी जैसे जैसे मान लो पी ब्लॉक है उसमें इतने सारे ग्रुप्स हैं थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ठीक है और उन सब के अंदर अलग अलग उनके कंपाउंड्स हैं उनके एलोट्रोप्स हैं उनकी अलग प्रॉपर्टीज हैं उनके हाइड्राइट्स का अलग मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर उनके एलिमेंट्स का अलग ऑर्डर बहुत सारी चीज़ें लेकिन शॉर्ट नोट्स में वो चीज़ें एक ही पेज पर है तो आप थोड़ा कंपेयर करके कनेक्ट करके इजीली याद कर पाओगे लेट मी शो यू जैसे जैसे ये मेरे पिबलो के नोट्स हैं ये, ये मैं सच बताऊँ तो ये चीज़ें याद भी नहीं करनी अगर आपको पता है कि एसिडिटी क्या होती है बेसिसिटी क्या होती है रिड्यूसिंग पावर क्या होती है अगर आपको वो एक्चुअली पता है तो आप वो ईजिली रिलेट कर सकते हो कि साइज अगर बढ़ रहा है ऊपर से नीचे तो उसका क्या हो रहा होगा हाइड्राइड्स में भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं बस उनको आपको थोड़ा याद करना होता है बाकी सारी चीज़ें हर ग्रुप में सेम सेम होती है तो बहुत हार्ड नहीं होता है याद करना अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता है वॉट इज रिड्यूसिंग पावर वॉट इज मेल्टिंग पॉइंट वॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ईजिली हो जाते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं एंड कुछ आप ट्रिक्स भी लगाते हो जिस टीचर से मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी मैंने पीडब्ल्यू से की थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन्होंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी इट वॉज लाइक ये सिक्सटीन सेवेंटीन और एटीन ग्रुप के लिए इट वॉज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट वन वन टू एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए टू वन वन और उसके नीचे आप फिर ऐसे वन uh, के नीचे फोर थ्री टू और टू के नीचे फोर थ्री वन ये तो सिर्फ एक पार्ट है ऐसे बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स है शॉर्ट नोट्स में और जितना हो सके ओनली इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं और ये नहीं कि मैंने सारी ओनली इक्वेशन इक्वेशन उठा उठा के रख दी नहीं जो थियोरीटिकल भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वो भी इसमें लिखी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यू कैन सी ये ट्रिक आ, ये बहुत अच्छी ट्रिक है इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ पीरियोडिक टेबल भी मैंने प्रॉपरली चीज़ों को लिखा हुआ है ठीक है नोट ये नहीं कि ओनली फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं या थ्योरी बहुत ज़्यादा लिखी हुई है बैलेंस इज द की अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग कम है तो आप कोशिश करो कि आप थ्योरी ज़्यादा लिखो ताकि तभी आप शॉर्ट नोट्स पढ़ो तो आपको एटलीस्ट पता हो ठीक है अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक ठीक है तो आप नॉर्मल भी लिख लोगे और आपको पता है तो डू इट इन योर वे बिकॉज हर किसी का अंडरस्टैंडिंग लेवल लर्निंग लेवल सब चीज़ें अलग होती है दैट्स वाई इट इज रिकमेंडेड कि आप शॉर्ट नोट्स अपने आप बनाओ ये दीज आर आई एम जस्ट कीविंग फॉर रेफरेंस माय शॉर्ट नोट्स आर वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ कंसेप्ट शॉर्ट ट्रिक्स फॉर्मूला एंड एवरी अदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू स्टडी एवरी थिंग विल हैव इन माई शॉर्ट नोट्स तो एज यू नो कि आई हैवे टेलीग्राम चैनल सो मैं इन इन शॉर्ट नोट्स का पी डी एफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी मैं भी अभी एक होता ना कि बहुत टाइम से इन ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री नहीं पढ़ी मैं भी अब पढ़ रही हूँ तो मैं काफ़ी चीज़ें भूल गई हूँ एक तरीके से तो अब वो रिविजन नहीं लग रहा है वो लर्निंग लग रहा है बट एज लॉन्ग एज आई एम स्टार्टिंग एवरीथिंग इज़ गुड क्या दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो सो आई वॉन्ट टू शेयर माई रिविजन स्ट्रैटेजी विद यू ऑल बिकॉज ऑफ लॉटिव यूर आस्किंग की रिविजन की स्ट्रैटेजी एंडर टीएम आई दैट मैं भी लाइब्रेरी जाना स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज फॉर द सेम रीजन जो सब लाइब्रेरी जाते हैं तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड शावरिंग योर लव ऑन मी आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल आप लोग जो कमेंट करते हो और जो प्यार देते हो इतना सारा आ, उसी की वजह से आई एम सो मोटिवेटेड टू मेक वीडियोस एंड मैनेज माय स्टडी अलोंग विद दैट आई एम रियली ग्लैड कि मैं दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ कोई भी आपस में कोलेप्स नहीं हो रहा है ना स्टडी और ना वीडियोज़ है यूट्यूब आई एम मेनटेनिंग गुड बैलेंस बिटवीन दैम और ऑब्वियसली इन नो वेज आई एम गोना लेट इट अफेक्ट माई स्टडीज़ आई एम गोन नॉ लिव इट राइट अवे जिस दिन मुझे फील हुआ कि इट इज़ अफेक्टिंग माई स्टडीज आई एम गोन नॉट लिव इट राइट अवे मतलब वीडियोज़ बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट रहा हूँ वो तो ऐसी फीलिंग रहे कि आई एम नॉट अलोन इन दिस जर्नी और बहुत सारे लोग हैं साथ में जिनका माइंड सेट मुझ जैसा है वो ग्रोइंग और इवोल्विंग वाला माइंड सेट है ना तो इसलिए मैं चाहती एक ज़्यादा से एक बड़ी कम्यूनिटी बने एक हम जैसे लोगों की आई एम फर एवर थैंकफुल फॉर यू ऑल जो आप लोग लव दे रहे हो एंड दिस पोज इट फॉर दिस वीडियो आई होप यू लव द वीडियो एंड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय